हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम कॉम्पिटिशन क्लासेस। जो हम इंडियन रिवर्स या भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं आज। अभी तक हमने इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी पढ़ ली है, उसके बारे में सब कुछ डिटेल कवर कर लिया है, ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ। फिर हमने गंगा नदी को पूरा एक पार्ट में कंप्लीट कर लिया। फिर हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियाँ उसकी पूरी पढ़ ली थी। ये है फोर्थ चैप्टर इस पूरी सीरीज में इंडियन रिवर्स वाली में, और आज हम पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और इसके बाद गंगा रिवर सिस्टम यानी गंगा नदी प्रणाली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये आपको मैप दिख रहा है, जल्दी से मार्क कर लेते हैं। देखिए, ये हमने पढ़ा था गंगा रिवर, ये यहाँ से जा रही हैं। ओके, सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी हम इसमें पढ़ेंगे वो है रामगंगा पहली। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार मैप पे मार्किंग देख लेते हैं। रामगंगा, फिर यहाँ से आपको दिख रही है गोमती नदी, फिर तीसरी घाघरा नदी, तो ये यहाँ से आ रही है, आहा कहाँ चली गई, ओके घाघरा नदी, उसके बाद मैप पे परछाई पड़ती है तो दिखना थोड़ा बंद हो जाता है। एनीवेज, घाघरा नदी के बाद में आ गई गंडक नदी, जो कि यहाँ से चालू होगी, यहाँ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोसी, जो कि ये दिख रही है कोसी, और एक और लास्ट में पढ़ेंगे जो मैंने पहले भी बताया था, महानंदा, जो कि यहाँ से आएगी कहीं और इधर जा कर के बांग्लादेश साइड में मिलेगी। सारी नदियाँ हम डिटेल में ट्रिब्यूटरीज करेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामगंगा को। तो ये है हमारी पहली स्लाइड, इसको कर देते हैं रब। ध्यान देते चलिएगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगी, मेरी कोशिश रहेगी। मैप पे ध्यान से समझते चलिए, फैक्ट्स हम पढ़ते चलेंगे और कोशिश करके जहाँ जहाँ नीड होगी याद भी कर लेंगे। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी जो कि बाईं ओर से आकर के मिलती है गंगा से, सबसे पहली वो है रामगंगा। यहाँ पे एक बार फटाफट से मार्क कर लेते हैं, ये आ रही है हमारी रामगंगा। कहाँ से निकलती है, शुरू कहाँ से होती है? तो देखिए, दूधातोली रेंज हिमालय से ही निकलेगी। दूधातोली रेंज हिमालय की जो कहाँ पड़ती है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड। कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड से। ये जितनी भी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है ना, एक बात का ध्यान रखो, एक छोड़ दीजिएगा गोमती, ये मैं बताऊंगी जब गोमती पढ़ेंगे, उसके अलावा जितनी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सब हिमालय से निकलेंगी। ठीक है, फाइन। सो ये भी उत्तराखंड से निकलती हुई, उत्तराखंड में भी कहाँ, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें, ये ध्यान रखो, दूधातोली रेंज से निकलती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती हुई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, तो जिम कॉर्बेट पार्क से निकलती हुई जाती है और गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में गंगा से जाके मिल जाती है। ठीक है, उत्तराखंड और यूपी दो ही स्टेट्स के अंदर ये बहेगी, तो उत्तराखंड से शुरू हुई, उसमें भी कहाँ से, दूधातोली रेंज से, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, फिर जिम कॉर्बेट होती हुई यूपी में एंटर करती हुई और फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है, तो अब राम गंगा ना, ऐसे ध्यान रखिए कि राम जी कितने पवित्र थे ना, ये भी बहुत पवित्र नदी है, पुराणों में एंशियंट स्क्रिप्चर्स में भी इसका बखान है, रथवाहिनी के नाम से जाना जाता था इसको पहले। ठीक है, तो रथवाहिनी एंशियंट स्क्रिप्चर्स यानी हमारे पुराणों में इसका मेंशन हो रखा है। तो अब देखो, दूधातोली और फतेहगढ़ को याद रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से उद्गम यानी ओरिजिन है और कहाँ जाके मिल रही है मुख्य नदी को, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राम जी जिस तरह से पवित्र थे, उस तरह से ये रामगंगा भी पवित्र है, तो दूध जैसी साफ साफ नदी है, ऐसे आप चाहो याद रख सकते हो। दूधातोली रेंज हो गई, उसके बाद में फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, तो राम जी ने सभी राजाओं पर एक तरह से फतेह की हुई थी, कोई उनसे आकर के युद्ध नहीं करता था, ऐसे याद रख सकते हैं। तो फतेह से फतेहगढ़ हो सकता है। ठीक है, चाहे तो सीधे याद कर लें, बहुत बढ़िया है। मैं ट्रिक्स सिर्फ इसलिए देती हूँ ताकि जिनको डायरेक्ट याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, जिसको ज़रूरत नहीं है ट्रिक्स की बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, दूधातोली रेंज से निकली, उसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, वहाँ से होती हुई जाती है और यूपी के अंदर फतेहगढ़ में आकर के गंगा से मिल जाती है। चले अगली नदी पे। अगली नदी सहायक नदी या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोमती रिवर। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिवर पे,
कि जितनी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से बताइए कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती, यानी प्लेन्स से, समतल मैदानों से निकलती है। तो वो एकमात्र ऐसी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बाई ओर से जुड़ने वाली सहायक नदी है, गोमती नदी, याद रहेगा। ठीक है, मैप पे भी देख लो, सब ऊपर ऊपर से आ रही हैं। ये एकमात्र है जो यहाँ छोटू सी है ना, ये छोटू सी बीच में से स्टार्ट हो रही है और होती 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 और यहाँ पे वाराणसी के थोड़ा आगे जा करके ये गंगा में इधर मिल जा रही है। गंगा आ रही थी इस जगह मिल गई। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। देखो, हिमालय से नहीं निकल रही यानी ग्लेशियर के पानी से नहीं बन रही है ये मॉनसून और ग्राउंड फेड रिवर है। जब बारिश होती है तो और जो ज़मीन से पानी आता है उससे इसका सोर्स है, वहाँ से ये पानी चालू होता है। चालू ओरिजिन कहाँ है, उद्भव कहाँ से होता है, गोमत ताल, गोमती है गोमत ताल। ठीक है, गोमत ताल जिसको कि फुलहार झील के नाम से ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है, फुलहार झील। ठीक, तो फुलहार झील जो कि माधो टंडा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, पीलीभीत से पॉपुलरली आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगा कि फुलहार झील पीलीभीत यूपी से निकलती है। ठीक है, पीलीभीत में भी माधो टंडा जगह का नाम है, वहाँ पे फुलहार झील से इसका उद्भव यानी ओरिजिन या सोर्स है। फाइन, तो उसके आगे पढ़ते हैं। अभी यहाँ से निकल के यानी फुलहार झील से निकल के यूपी से इसकी शुरुआत हो रही है, फिर यूपी में ही आगे बहती हुई गंगा में वाराणसी के थोड़े आगे मिल जाती है, यूपी के अलावा कहीं नहीं जाती है, इट डजन गो एनीवेयर। ओके, सो मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, एक इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है साई नदी। ठीक है, जो करीब यहाँ कहीं से आकर के इसमें मिलती है साई। ओके, और इसको जौनपुर के पास ज्वाइन कर लेती है। कहाँ ज्वाइन कर रही है, जौनपुर के पास में। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मार्कंडे महादेव मंदिर कौन सी दो नदियों के संगम पे बना हुआ है। सो इट इज़ एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोमती एंड गंगा, कॉन्फ्लुएंस इज संगम, मिलना। तो जब गोमती और गंगा मिलती हैं वहीं मार्कंडे महादेव मंदिर भी है। ठीक है, अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं, जिन जिनको टेक्निक की ज़रूरत हो छोटी छोटी मैं दे देती हूँ, जिनको नहीं है वो रिविजन कर लो। कहाँ से शुरू हो रही है गोमती, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई, इट डज नॉट अराइज और स्टार्ट्स फ्रॉम हिमालयन रेंजेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी प्लेन्स। ओके, गंगा के मैदानों से ही एक तरह से शुरू हो रही है ये। और तराई रीजन जानते हैं, तराई रीजन यूपी बिहार वाला वो बेल्ट आता है जो कि बिल्कुल फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन पे पड़ रहा होता है, नेपाल ख़त्म होने के बाद में, जहाँ पे अधिकतर नॉर्दर्न रिवर्स आकर के अपना पानी छोड़ती हैं, तो उसको तराई एरिया कहते हैं, तराई या तराई एरिया। ठीक है, तो वहीं से वहीं इसकी शुरुआत है। एग्जैक्टली कहाँ पर है, गोमत ताल, गोमती से गोमत ताल याद रहेगा, और पीलीभीत फुलहार झील। ठीक है, तो हमें झील वील में नहीं जाना है, डोंट गो इनटू झील, तो फुलहार झील क्योंकि बहुत फुल होती है, पानी से फुल है, आप डूब सकते हो, तो फुलहार झील से शुरुआत हो रही है पीलीभीत यूपी में, यूपी में ही बह रही है सिर्फ, और फिर वाराणसी के पास में गंगा से मिल जाती है। देखो मंदिर वंदिर पढ़ रहे हैं ना, मार्कंडे महादेव मंदिर हम पढ़ रहे हैं, तो वाराणसी में ही मंदिर ज़्यादा होते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा होती है, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है साई रिवर। देखो भगवान जी हैं सब, मार्कंडे महादेव, साई बाबा, सो साई बाबा साई जो नदी है इसकी ट्रिब्यूटरी वो आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साई नदी कहाँ मिलती है, जौनपुर के पास में, और गोमती गंगा में कहाँ मिलती है, वाराणसी के पास में। ये वाराणसी है, इसे थोड़ा सा आगे यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलें। फाइन, नेक्स्ट नदी अब कौन सी आएगी, हमने पढ़ ली रामगंगा, गोमती, अब है घाघरा। ठीक है, घाघरा रिवर या घाघरा नदी, मैप पे देख लो, ये आ रही है घाघरा रिवर। फाइन, चलिए, पेरिनियल रिवर है, हिमालय से निकल रही है, पेरिनियल नदी है, ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ट्रांसबाउंड्री क्या होती है, जो अपने देश से किसी और देश में से भी आ जा रही होती है, यानी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही होती है, कंट्री की बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज, उनको ट्रांसबाउंड्री रिवर कहते हैं। तो अब ये कहाँ कहाँ से होती हुई आती है, ये तिब्बत, नेपाल और इंडिया। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रांसबाउंड्री रिवर कहते हैं। अब देख लो, ट्रांसबाउंड्री समझ में आ गया, सोर्स क्या है, मापचाचुंगो ग्लेशियर। मापचाचुंगो ग्लेशियर कहाँ है, मानसरोवर लेक, तिब्बत प्लेट्यू, मानसरोवर लेक हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी नदियाँ हमने पहले भी देखी हैं वहाँ से निकलती हैं,
तो तिब्बत प्लेट्यू में ही मानसरोवर झील के पास से माप चाचुंगो ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है, कौन, घाघरा नदी, फाइन। फिर हिमालय को कट करती हुई जब ये एंटर करती है नेपाल वाला एरिया, नेपाल में शिवालिक हिल्स हिमालय का रीजन है, लोअर हिल्स आ गई, तो वहाँ ये क्या होती है, यहाँ से एक नदी आ रही थी, ये यहाँ दो हिस्सों में बंट जाती है, ठीक है। और ये देखो जैसे ही ये शिवालिक हिल्स यहाँ पड़ी, ये दो हिस्सों में बंट के इधर आगे आ गई, फाइन, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जब ये यहाँ से बंट करके आगे आ रही है, दो हिस्सों में बंट गई, इट कट्स थ्रू द हिमालयाज, हिमालयाज के भी कौन से एरिया को कट करती हुई आगे आती है, शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल को कट करती हुई इट कम्स इन नेपाल एंड डिवाइड्स इनटू कोरियाला एंड गिरवा रिवर्स। तो कौन सी दो नदियों में टूटती है ये, कोरियाला और गिरवा, ये कोरियाला हिस्सा वाली रिवर है और ये गिरवा रिवर है, कोरियाला गिरवा KG, ठीक है। फिर वापस रीजॉइन होती है इंडियन बॉर्डर पे आकर के, ठीक है, और तब कहलाती है घाघरा। कहानी समझ में आ गई, माप चाचुंगो से शुरू हुई तिब्बत में, फिर नेपाल में आती है, शिवालिक आते ही दो हिस्सों में टूट जाएगी, एक हिस्सा हो जाएगा कोरियाला, दूसरा हो जाएगा गिरवा। फिर ये जो केजी है, कोरियाला और गिरवा, ये दोनों आकर के इंडिया में ज्वाइन होंगे और फिर कहलाएगी ये घाघरा नदी, ठीक है, ओके। इंडियन देन रीजॉइन साउथ ऑफ इंडियन बॉर्डर टू फॉर्म घाघरा रिवर। गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, बिहार में रेवलगंज। जब ये इंडिया में एंटर करती है, यूपी में एंटर करेगी, उसके बाद बिहार जाएगी और बिहार में रेवलगंज में गंगा में मिल जाएगी आकर के, ओके। सो घाघरा नदी, माप चाचुंगो, फाइन। सो बहुत स्पेशल घाघरा था, हमने माप वाप लेकर के फिर हम बनाते हैं ना घाघरे को, ऐसे नहीं बना देते किसी मोटे इंसान के लिए, पतले इंसान के लिए, अलग अलग माप लिया जाएगा, नाप लिया जाएगा। सो माप चाचुंगो से निकल रही है और शिवालिक में दो हिस्सों में टूटेगी, KG, कोरियाला और गिरवा, और फिर इंडियन बॉर्डर में आने के बाद वापस ज्वाइन होगी और किस नाम से जानी जाएगी, घाघरा नाम से। और गंगा में कहाँ मिलेगी, बिहार में आकर के रेवलगंज के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं, आगे चलते हैं। अब घाघरा के बारे में कुछ और बातें भी देख लेते हैं। अच्छा, घाघरा से रेवलगंज भी थोड़ा ध्यान रख लो, देखो घाघरा एंड हो रहा है रा पे ना, तो रा से रेवलगंज, थोड़े थोड़े हिंट्स दे रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ ताकि आपको लगे मैम इतनी स्टोरी कैसे याद रखें, छोटे छोटे हिंट्स हैं। घाघरा रा से रेवलगंज में गंगा से मिल जाती है, एंड हो रहा है ना, मतलब ये एंड भी कहाँ हो रही है, रेवलगंज में हो रही है, ठीक है। शुरू कहाँ हो रही थी, माप लेने से शुरू कर रहे थे, तो माप चाचुंगो ग्लेशियर, फाइन। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऊपर मैप में देखो, ये आपको दिख रही थी, ये पूरी मैंने घाघरा रिवर बनाई थी, ठीक है। ये एक नदी और दिख रही है यहाँ से आती हुई, देखो ये दिख रही है, ये इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, या एक नदी आकर के इसमें शुरू से ही मिलती है और तब जाके घाघरा का रूप आगे कहीं बनता है, वो है काली नदी, या उसको शारदा भी बोलते हैं, महाकाली भी बोलते हैं, काली गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है घाघरा रिवर का। देखो, इट इज़ जॉइंड बाय शारदा रिवर एट ब्रह्मघाट UP। शारदा नदी भी निकलेगी हिमालय से और आकर के इसको यूपी में ज्वाइन करती है, ठीक है, कौन, शारदा, शारदा, फाइन। तो घाघरा किसका बन रहा था, शारदा का बन रहा था, आई एम सो सॉरी, इसको फटाफट से हम एक बार ठीक कर लेते हैं, लैपी के साथ ये इशू आ जाता है कभी कभी, वेट अ मिनट हो गया, चलिए फाइन। सो इट इज़ जॉइंड बाई शारदा रिवर एट ब्रह्मघाट UP। शारदा नदी के बारे में देख लीजिए बातें, इसको काली, महाकाली या काली गंगा भी बोलते हैं, काली नदी, महाकाली नदी या काली गंगा नदी। कहाँ से शुरू होती है, उत्तराखंड तिब्बत बॉर्डर से चालू हो रही है हिमालय से, और फिर नेपाल बॉर्डर से फ्लो होती हुई और घाघरा को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। उत्तराखंड और तिब्बत के बॉर्डर से चालू हुई, ये देखो मैप पे, ये वाला एरिया, ठीक है, उत्तराखंड तिब्बत बॉर्डर से चालू हुई, ये नेपाल की बाउंड्री है, तो ये नेपाल से होती होती और आकर के फिर यूपी में घाघरा को ज्वाइन कर लेती है, फाइन। सो याद रहेगी, शारदा जिसको काली,
महाकाली या काली गंगा भी बोलते हैं, काली गंगा के नाम से उत्तराखंड में इसको जाना जाता है। फाइन, शारदा के नाम से इतनी नहीं फेमस है, काली गंगा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। फिर मिल गई, ओके। एक और ट्रिब्यूटरी इम्पॉर्टेंट है घाघरा की, वो है वेस्ट राप्ती यानी पश्चिम राप्ती। राप्ती की दो ब्रांचेस हैं, एक वेस्ट राप्ती एक ईस्ट राप्ती है। जब हम कोसी पढ़ेंगे तो ईस्ट राप्ती आएगी। अभी देख लीजिए, ये भी नेपाल से ही निकल रही है, वेस्ट राप्ती, ठीक है। तो शारदा और राप्ती दो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ ली। फिर देखिए, ये जो घाघरा नदी है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसकी लेंथ कितनी है, 507 किलोमीटर नेपाल में, और नेपाल में घाघरा को कर्णाली भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यू मस्ट नो। कर्णाली कहीं पढ़ो तो कन्फ्यूज मत होना कौन सी नदी आ गई, ठीक है। नेपाल में घाघरा को कर्णाली के नाम से जाना जाता है और ये लॉन्गेस्ट नदी है नेपाल की, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, फाइन, आगे चले। ओके, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स घाघरा नदी के बारे में, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है, राइट। सबसे लार्जेस्ट, अगर कोई ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी की मैं बात करूँ, सबसे बड़ी सहायक नदी, जितना पानी ये लेके आती है उस संदर्भ में अगर हम बात करें, तो लार्जेस्ट ऑफ ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, नंबर वन पे लार्जेस्ट की कैटेगरी में कौन है, घाघरा नदी है। लॉन्गेस्ट की कैटेगरी में कौन था, सबसे लंबी, यमुना, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेकंड नंबर पे, सारी ट्रिब्यूटरीज में से सेकंड नंबर पे लॉन्गेस्ट कौन सी है, घाघरा नदी। तो लार्जेस्ट में फर्स्ट, लॉन्गेस्ट में सेकंड, ध्यान रहेगा। मैं सभी ट्रिब्यूटरीज की बात कर रही हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द ट्रिब्यूटरीज, फाइन। टोटल लेंथ अगर हम घाघरा नदी की देखें तो 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर है। और यमुना नदी की मैंने जान के लिख दी ताकि आपको थोड़ा कंपैरिजन का आइडिया लग जाए। यमुना नदी 1376 किलोमीटर, 1376 75 76 अब मैं सही बोल रही हूँ, 1376 किलोमीटर लंबी। कुल लंबाई यमुना की इतनी है, यमुनोत्री से निकल के और जब तक ये गंगा में मिलती है। और घाघरा की कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर, 1080, ठीक है। तो लार्जेस्ट में वन, लॉन्गेस्ट में टू नंबर पे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्वेश्चन के एग्जाम के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, पौराणिक कथाओं में घाघरा नदी का नाम सरयू था। सरयू नदी से कुछ याद आया, अयोध्या का बहुत जुड़ाव है सरयू नदी से। सो जो लोअर घाघरा नदी है, दैट इज जो हिमाचल वगैरह से नहीं निकल के आ रही, जब वो प्लेन्स पे आ गई, राइट। एक बार यहाँ देख लो, ये वाला जो एरिया स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, लोअर घाघरा। तो ये जो नदी है, इसको पौराणिक कथाओं में या हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में किस नाम से जाना जाता था, इट वॉज नोन बाय द नेम ऑफ सरयू रिवर, ओके। और रामायण के अंदर इसका मेंशन है, अयोध्या इसी के राइट बैंक पे बसा हुआ है, ठीक है। सो अयोध्या और सरयू नदी, इन दोनों का संबंध कौन सी नदी से है, घाघरा नदी से, याद रहेगा। घाघरा, जिसको सरयू भी कहा जाता था, रामायण में इसका मेंशन है, लास्ट में जो जल समाधि ली थी राम जी ने, वो सरयू में जाकर के ही ली थी, ध्यान है, ठीक है। तो सरयू नदी का अयोध्या से संबंध है, फाइन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट नदी, जो कि है गंडक या गंडकी नदी, ओके। गंडक भी कहा जाता है, गंडकी भी कहा जाता है, और भी बहुत से नाम है, धीरे धीरे हम देखेंगे, नेपाल नेपाल में अलग अलग नाम है। ये भी ट्रांस बाउंड्री रिवर है। अच्छा चलो, मैप पे पहले देख लेते हैं गंडक। तो देखिए, यहाँ से शुरू हुई, एकदम इसने साउथ ईस्ट टर्न लिया और फिर ये आ गई मैदानों में और यहाँ आके गंगा से मिल गई। ये इसका स्टार्टिंग एज हो गया और ये इसका माउथ हो गया, यानी कहाँ आके मुख्य नदी से मिल रही है। सो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी इंडिया और एक और देश के साथ शेयर होती है और वो है नेपाल। नेपाल से चालू होकर के इंडिया के अंदर आ रही है, नेपाल की पूरी ब्रेथ को एक तरह से कवर कर रही है, यानी पूरी चौड़ाई को कवर कर रही है। ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन नूबाइन, नूबाइन इसको कैसे पढ़ेंगे, नूबाइन हिमाल, नूबाइन हिमाल, आप ये मत बोल दीजिएगा मैम हिंदी में बताया नहीं, नूबाइन भाइन भी बोल सकते हो, भ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। नूबाइन हिमाल नाम के ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, जो कि है मस्तांग रीजन ऑफ नेपाल में। तो नेपाल से शुरू हो रही है, कुल मिला के ये समझो नेपाल से शुरू हो रही है, लेकिन वो तिब्बत का बॉर्डर एरिया भी आ गया, लेकिन तिब्बत में इसको काउंट नहीं किया जाता, नेपाल से ही शुरुआत मानी जाती है। नेपाल में तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल पास, आप ऐसे समझ लो, मस्तांग रीजन में नूबाइन हिमाल नामक ग्लेशियर से चालू होती है, कौन, गंडकी, फाइन।
यहाँ इसको काली गंडकी नाम से जाना जाता है, सिर्फ गंडकी नहीं कहते इस रीजन में नेपाल के, इसको काली गंडकी कहते हैं और ये नेपाल की वन ऑफ द मेजर रिवर्स है। सबसे बड़ी नदी कौन सी थी नेपाल की? घाघरा, और ये भी इम्पॉर्टेंट मेजर रिवर्स में से काउंट होती है। ठीक है, तो याद रहेगा नुबाइन हिमाल और मस्तांग रीजन ऑफ नेपाल। फाइन, अब चलते हैं आगे, इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। इंडिया में कहाँ एंटर होती है? देखो मेजरली अभी जो हमने तीन नदियाँ पढ़ ली ना, सबसे पहले हमने पढ़ी रामगंगा, फिर हमने पढ़ी गोमती, फिर हमने पढ़ी घाघरा। ठीक है, और बीच में कोई पढ़ी नहीं, फिर हम गंडक पे आ गए। तो ये जो तीन थी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, इनका मुख्य रिलेशन यूपी से था इंडिया में। ठीक है, यूपी से होती हुई एंटर कर रही थी। अब ये जो गंडक है ये यूपी और बिहार के एक तरह से बॉर्डर बनाती हुई एंटर करती है, मेजरली बिहार में होती है, यूपी के बॉर्डर बॉर्डर एरिया को टच करती है, यानी ईस्टर्न साइड ऑफ यूपी, पूर्वी साइड ऑफ यूपी को टच करती हुई चलती है। फिर अब इसके बाद जितनी भी ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे उनका यूपी से रिलेशन नहीं रहेगा, वो बिहार से जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको देख लीजिए, एंटर्स इनटू तराई रीजन। तराई मैंने आपको बता दिया वो सारा एरिया जहाँ पे सारी रिवर्स ला करके अपना पानी छोड़ती हैं, और वो प्लेन एरिया है, पहाड़ी इलाका नहीं है, वो लोअर प्लेन्स का एरिया है, समतल मैदान है, मतलब यहाँ आके नदियों की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, सो तराई रीजन ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार यहाँ पे एंटर करती है, और यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाती है, और ये एग्जाम के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, फ्लोज एज मियांडर। मियांडर मैंने आपको बताए थे, ठीक है, विसर्प, मियांडर की तरह चलती हुई एंटर करती है। तो मैप पे ज़रा यहाँ देखो, इस पे आपको बना हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ एंटर की तो ये सीधा नहीं जाएगी, ये इस तरह से घूमती घामती सी एंटर करती है। ठीक है, मियांडर्स बनाती है क्योंकि बहुत सारा स्पीड बहुत कम हो चुकी होती है, रेत गर्दी वगैरह बहुत लेकर के आती है, बहुत सारे इरोजन करती हुई आती है, इसलिए यहाँ मियांडर्स बनाती है। और यूपी बिहार में करीब 35-40 किलोमीटर तक, 35-40 किलोमीटर्स तक मियांडर बनाती हुई फिर बिहार में एंटर करती है। ठीक है, कहाँ मियांडर बना रही है? यूपी बिहार के बॉर्डर पे। ओके, फिर एंटर करती है बिहार में, और गंगा को बिहार के ही सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में जोड़ ले, वहाँ जाके उसमें जुड़ जाती है सोनपुर में। ठीक है, अब देख लो गंडक है, बहुत दूर से आ रही है, पूरा नेपाल क्रॉस किया है, फिर इतने मियांडर बनाए हैं, थक गई होगी, तो अब सोने के लिए गंगा में मिल गई है, तो सोनपुर बिहार में जाके मिल जाएगी, यूपी के सिर्फ बॉर्डर एरियाज को टच करेगी, बिहार को मेनली कवर करती हुई जाएगी। अब गंडकी का मेंशन महाभारत में है। ठीक है, सो जो नेपाल था ना, उसके जो लोअर हिमालयन रेंज महाभारत रेंज है, वहाँ से उसको काटती हुई आगे आती है, तो महाभारत रेंज से भी जुड़ी हुई है, और महाभारत में भी गंडकी का मेंशन है। ठीक है, फिर इसका जो बेसिन है, मतलब नेपाल में जहाँ जहाँ से ये फैलती हुई आती है पानी, इसका जहाँ जहाँ पहुँचता है उसको बोलते हैं बेसिन। तो इसके बेसिन में पूरी दुनिया में करीब 14 ऐसे पहाड़ या माउंटेन्स हैं जो कि 8000 फीट से भी ऊंचे हैं, यानी हाई माउंटेन्स, बेसिकली बहुत ऊंचे पहाड़ों में से दुनिया के ऐसे 14 बहुत ऊंचे पहाड़ हैं जो कि 8000 मीटर से भी अबव हाइट के हैं, उनमें से 3 आर देयर इन द बेसिन ऑफ गंडकी रिवर। समझ में आ गई बात? पूरे विश्व के 14 इंपॉर्टेंट हाई माउंटेन्स जो कि 8000 मीटर से भी ज़्यादा हाइट वाले होते हैं, मोर देन 8000 मीटर्स, आउट ऑफ देम 3 आर इन द बेसिन ऑफ गंडक। उनमें से कौन है वो 3? धौलागिरी, मानसलू और अन्नपूर्णा, और तीनों नेपाल में पड़ते हैं। ठीक है, इन तीनों में भी सबसे ऊंचा कौन सा है? धौलागिरी पर्वत, जो कि हाईएस्ट है गंडकी बेसिन का। हाँ, धौलागिरी इतना ऊंचा है दूर से ही, और बर्फ से ढका हुआ होता है, तो धौला धौला दिखता है, धौला यानी गोरा, धौलागिरी। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेपाल से एंट्री फटाफट से एक बार रिकैप ले लो। इंडिया नेपाल में बहती है, ट्रांस बाउंड्री है, नेपाल में नुबाइन हिमाल से निकली और वहाँ से होती हुई इंडिया में कहाँ एंटर हो रही है? बॉर्डर ऑफ यूपी एंड बिहार, वहाँ पे मियांडर्स बनाती है और फिर बिहार में एंटर होके सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। महाभारत में भी इसका मेंशन है और ये माउंटेन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये देख लो, ये है धौलागिरी माउंटेन रेंज, दिस इज दैट। फाइन, अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी की हम बात कर लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, एक है त्रिशूली और दूसरी है ईस्ट राप्ती।
मैंने राप्ती आपको कोसी से बताया क्या? वहाँ मैंने गलत बताया, ईस्ट राप्ती का कोसी से रिलेशन नहीं है, गंडकी से रिलेशन है, ठीक है, वहाँ गलत बोला था, ध्यान रखिएगा। सो दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है त्रिशूली और दूसरी है ईस्ट राप्ती, फाइन। अब गंडकी को नारायणी या सप्त गंडकी भी कहते हैं, ये दोनों ही नाम इसके नेपाल में है, इंडिया में तो गंडक ही बोला जाता है। सो इसको गंडकी को नारायणी और सप्त गंडकी भी कहते हैं। सप्त गंडकी क्यों? क्योंकि सात नदियां यहाँ मिलती हैं, जिसमें काली गंडकी, नेपाल में काली गंडकी नाम था, मस्तांग रीजन से जब निकलती है, त्रिशूली ये जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और इसी ट्रिब्यूटरी की पांच और सहायक नदियां हैं, यानी सब ट्रिब्यूटरीज हैं त्रिशूली की। तो ये पांच, छः और सात, इन सातों को मिला के सप्त गंडकी नाम भी इसका है, लेकिन नेपाल में ही है और वो भी एक पर्टिकुलर रीजन में है। नाम वगैरह अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं बिकॉज इम्पॉर्टेंट नहीं आता है, ठीक है। सो ट्रिब्यूटरीज दो नाम याद रहेंगे, इनकी डिटेल नहीं मांगी जाएगी, आपको नाम पता होनी चाहिए त्रिशूली किसकी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी है, तो ये है गंडकी की, और सिमिलरली ईस्ट राप्ती गंडकी, और वेस्ट राप्ती किसकी है? घाघरा नदी की, ठीक है, फाइन, यहाँ तक क्लियर। चलो अब चलते हैं हम अगली नदी पे, जो कि है कोसी रिवर या कोशी, ओके। नेपाल में इसे कोशी कहा जाता है, इंडिया में इसे कोसी कहा जाता है, दोनों ही नाम हमने ले लिए हैं। मैप पे फटाफट से देख लेते हैं, ये आ रही है जी हमारी कोसी, ठीक है, और ये आ करके यहाँ मिल गई है, फाइन। सो नेपाल नहीं, ऊपर आगे से जा रही है, ठीक है। तो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, अगेन तीन कंट्रीज को कवर करती है, तिब्बत, नेपाल और इंडिया, ठीक है। ओरिजिन तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे होता है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर से एंटर हो रही है, ये एंटीसीडेंट रिवर ही है, यानी हिमालय से भी पहले से है, तो हिमालय में गॉर्ज बनाती हुई आती है, यानी आसपास तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे और बीच में से नदी निकल रही होगी, ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर है। अधिकतर हिमालयन रिवर्स एंटीसीडेंट ही हैं, है ना, घाघरा एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट है। सो कहाँ शुरू हो रही है? तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे, इसको सप्तकोशी नाम से भी जाना जाता है, अगेन सात नदियाँ मिल रही हैं ऊपर, ट्रिब्यूटरीज ऊपर वाले इलाके में ही सात नदियाँ, छह नदियाँ और आके मिलती हैं और ये सातवीं होती है, तो सप्तकोशी भी कहते हैं। अब दिस क्रॉसेज इंटू नदर्न बिहार वेयर इट ब्रांचेज इंटू डिस्ट्रीब्यूटरीज, कहाँ एंटर हो रही है? ये वाला पूरा इलाका कौन सा है? बिहार का इलाका है, तो अब इसका यूपी से कोई लेना देना नहीं है, सीधे आती है तिब्बत नेपाल होती हुई बिहार में एंटर करती है, बिहार के बाद बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो रही है और उसके बाद जाके गंगा में मिल रही है, और कहाँ पे मिल रही है? कुरसेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कुरसेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट, तो कटिहार से ध्यान रख सकते हो आप बिहार में, इसने बहुतों की जीवनी कट कर दी, यानी कि अर्निंग इकोनॉमी कट कर दी, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाढ़ बनने लाने का कारण बनती है, यानी कि इतना पानी इसका फैल जाता है कि बाढ़ आ जाती है, एंड उस वजह से इसको सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। अभी देखते हैं, पहले इतना देख लो, ये क्लियर है, तिब्बत नेपाल से होती हुई इंडिया में आती है, इंडिया में बिहार में आती है, वहाँ बहुत सारी ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूटरीज बना के फिर जुड़ जुड़ा के गंगा में मिल जाती है, कुरसेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार में ही। और चलो पहले इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, फिर सौरव बिहार की बात करेंगे। मेन ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ कोसी की कौन सी है? कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक गंडक की नहीं है, गंडकी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बूढ़ी गंडक इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी। सो कमला, बागमती, फाइन, ध्यान रहेगा, के बी बी कमला जी हैं, बागमती वो बागमती थी ना किसी मूवी में आई थी, अब मैं मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, और आप भी मत बताना कमेंट्स में, रहने दो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक, कोशी की कमला के हो जाएंगे, और बूढ़ी गंडक और बागमती ये याद रखिएगा। सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट है, वो है कोशी नदी, क्योंकि एनुअल फ्लड्स लेकर के आती है, ज़रूरी नहीं है हर साल आए इसमें फ्लड्स, लेकिन कई बार आ जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कि कोशी ने अपना रास्ता ही बदल लिया है, ओरिजिनली जब कोशी आती थी ना तो सीधी सीधी आ जाती थी, नेपाल से सीधी सीधी आके गंगा में मिल जाती थी, लेकिन विथ टाइम ये पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ खिसकने लग गई, अपना रास्ता इसने थोड़ा 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 बदल लिया है, कई बार बदलती है कई बार नहीं बदलती है, लेकिन इतना एरिया है जहाँ इसका पानी फैल जाता है, और इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है।
कई नई जगह हैं जहाँ से ये होकर के गुजरेगी, तो उन सारी जगहों को अपने चपेट में ले लेती है, वहाँ बाढ़ आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए रास्ता यहाँ से है और यहाँ इस बार यहाँ से होके चली गई, तो ये नया एरिया हो गया जिसको इसने अपनी चपेट में ले लिया, यहाँ इसका बाढ़ वाला इलाका हो गया। सो कभी रास्ता कितना बदलेगी, इतना या इतना या इतना, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बाढ़ आने का बहुत बड़ा कारण है ये। बहुत सारे बैराजेस वगैरह भी इसके ऊपर बना दिए गए हैं, इसलिए बहुत सारे तो नहीं, कोसी बैराज बनाया गया है टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। तो एनुअल फ्लड्स यूजुअली फ्लड्स आते ही आते हैं, और 21,000 स्क्वायर किलोमीटर के फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेतों को ये पूरा डुबा देती है, इतने खतरनाक इसके फ्लड्स होते हैं, और सारी किसानों की मेहनत, उनकी उनकी आमदनी सब डूब जाती है, इसलिए सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है इसको। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, पूर्व से जुड़ने वाली ट्रिब्यूटरी गंगा की, वो है महानंदा या महानंदा नदी। अब देखो इसके बारे में एक चीज़ समझो, ये शुरू तो हिमालय पर्वतों से हो रही है, मिलती गंगा में इंडिया में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको ट्रिब्यूटरी जब हम पढ़ते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो इंडिया की मतलब बाकी सारी ट्रिब्यूटरियों के साथ ही इनको पढ़ा जाता है, सहायक नदियों के साथ में, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन इंडिया में ही है, सिर्फ लास्ट में कुछ किलोमीटर बांग्लादेश में जा करके और फिर वहाँ गंगा से मिलती है। ठीक है, आखिरी ऐसी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी है जो कि हिमालय से निकल रही है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, आखिरी, जैसे पूरी हिमालयन रेंज है तो बिल्कुल लास्ट ट्रिब्यूटरी जो कि हिमाचल से निकलेगी और जो गंगा में जुड़ेगी वो कौन सी है, महानंदा है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। फाइन, सो ट्रांसबाउंड्री रिवर है, इंडिया कहीं और ऊपर किसी देश से नहीं आ रही, तिब्बत नेपाल कहीं से नहीं आ रही, इंडिया से ही शुरू हो रही है, लेकिन बांग्लादेश भी जाती है, इसलिए ट्रांसबाउंड्री हो जाती है। कहाँ शुरू हो रही है, दार्जिलिंग हिल्स, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल नॉर्दर्न हिल्स जो कि दार्जिलिंग हिल वाला एरिया है। दार्जिलिंग हिल भी हिमालय का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज है, तो दार्जिलिंग हिल वेस्ट बंगाल से ये निकलती है, फिर होती होती वेस्ट बंगाल और बिहार से, वेस्ट बंगाल से नीचे उतरी बिहार गई और फिर बांग्लादेश एंटर कर जाती है। गंगा को कहाँ ज्वाइन करती, इंपॉर्टेंट है, गोदागिरी इन नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, नवाब हुई ना, है तो पूरी इंडिया की लेकिन आराम से बांग्लादेश एंटर करती है नवाबों की तरह और वहाँ जाके गंगा में जुड़ जाती है। ठीक है, तो नवाबगंज ध्यान रखिएगा, और टोटल लेंथ महानंदा की देखो, इसलिए बताइए ताकि आपको आइडिया लगे इंडिया में कितनी और बांग्लादेश में कितनी है। टोटल लेंथ है इसकी 360 किलोमीटर, हाँ, उसमें से 324 किलोमीटर यानी 324 किलोमीटर तो इंडिया में पड़ रही है और करीब 36 किलोमीटर ही है जो कि बांग्लादेश में ये जाती है। ठीक है, तो इसके ये समझ में आ गया कि बहुत थोड़ा हिस्सा है बांग्लादेश में, बाकी सारी इंडिया में ही बह रही है, और ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है हिमालय की, हिमालय से निकलने वाली आखिरी पूर्वी सहायक नदी है जो कि जाके आगे गंगा में मिलेगी, तब वो पद्मा हो जाती है, पर हम तो इंडिया के लिहाज से बात करें तो गंगा ही बात करेंगे। तो दोस्तों समझ में आ गई ये सारी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ जो भी लेफ्ट से आकर के जुड़ रही हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारा गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियाँ पूरा फिनिश होता है। जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, अभी स्टे एट होम।